हर आदमी अफोदरगुजर से काम नहीं ले सकता हर आदमी की तबीयत में बुर्दबारी, तहमुल मिजाजी ये नहीं होती हालांकि ये ऐसी सिफात हैं जो एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए अगर कोई आदमी इन सिफात से मुतसफ हो तो उसे दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी और नजात की बशारत दी गई मगर बहुत कम लोग हैं जो इन सिफात पर तवज्जो देते हैं सुर फ़ुरकान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं जो मुकर्रब बंदे हैं वाहिबाद के जो अल्लाह ताला के रहमान के बंदे हैं बंदे तो सभी हैं सारे इंसान उसी के पैदा किए हुए हैं मगर अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ जो मंसूब किया है उससे उनके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है उनकी एक मिसबत शान पैदा होती है उससे वाहिबाद गोया अल्लाह ताला के चुनिंदा बंदे मुकर्रब बंदे उनकी जो मुख्तलि सिफात बयान की गई उनमें से एक सिफत का इस मौजू के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है वहीदा सलाम। जब कभी कोई नादान उनसे कोई गुफ्तगु करता है और उसमें अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है अल्फाज का गलत इंतखा करता है तो वो उलझते नहीं है बल्कि वह सलाम करते हुए अपने दामन को बचा कर आगे निकल जाते हैं जैसे दूसरी जगह कहा वा मर्रू बिल लगवी मर्रू कि जब इस तरह की लगवियात से फजूल चीज़ों से यूज़लेस चीज़ों से उनका वास्ता पड़ता है तो अपने दामन को बचा कर निकलने की कोशिश करते हैं ये मोमिन बंदों की निशानी है और बाकी लोग क्या हैं दूर से करीब आते हैं अपने आप को उसमें मुलवस करने के लिए तो कोई भी आदमी ऐसी नादानी की बात करे अब आप जवाब देने बैठ गए उसका जवाब देने का फ़ायदा क्या होगा जवाब उसे दीजिए जो उसको समझता हो जो उसकी कदर करता हो और जो आदमी इतना नादान है कि वो इन चीजों को समझ ही नहीं सकता तो आप अगर उसका जवाब भी देंगे तो उससे उसको क्या फायदा होगा इसीलिए सुर आल इमरान के अंदर मोमिन बंदों की रहमान की औिया की कुछ खास बातें बताई गई उनमें से एक जिसका इस मौजू के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है वल काजी वाली वो लोग कैसे होते हैं गुस्से पर कंट्रोल करने वाले और लोगों से दरगुजर अफो दरगुज़र का मामला करने वाले अब गुस्से पर कंट्रोल करना हर आदमी के बस की बात नहीं है क्योंकि आपके सामने किसी ने कोई नादानी की हरकत की अब आपका जी चाहता है कि उसको उसी तरह से बदला लिया जाए उसका मुंह फाड़ दिया जाए उस पर हमला कर दिया जाए ये इंसान की तबीयत चाहती है मगर शरीयत कहती है कि नहीं रुकिए, इत्मीनान के साथ आराम के साथ तहमुल मिजाजी के साथ आपका इकदाम होना चाहिए गुस्से के मौके पर अपने आप को कंट्रोल करना जब्त करना यही तो कमाल है और जब आदमी गुस्से पर कंट्रोल कर ले बहुत से फितने और फसाद से अपने आप को वह बचा लेगा बहुत सारी नादानियों से अपने आप को बचा लेगा क्योंकि जब आदमी गुस्से में होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है फट पड़ता है जैसे हदीस में कहा गया मुनाफिक की निशानियों में से वह इदा खासम फजर कि जब कभी किसी के साथ कोई बहस आर्ग्यूमेंट तकरार हो जाए फट पड़ते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं अब उन्हें पता नहीं चलता कि मैं अपनी जबान से क्या कह रहा हूं क्या मैं इकदाम कर रहा हूं जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो पछताएगा लाख बार बाद में पछताने का फायदा नहीं एक बार उसी वक्त कंट्रोल करने का फायदा है क्योंकि आप गुस्से में जो डैमेज करना था वो कर दिए अब उसके बाद आप नादिम हो रहे हैं पछता रहे हैं हसरत का इजहार कर रहे हैं कोई फायदा नहीं टू लेट वो जो चीजें होने वाली थी वो तो हो चुकी हैं कभी लोग गुस्से के अंदर किसी को मार दिए किसी को गाली दे दी किसी को कतल कर दिया अब जब जेल में पड़े हुए हैं दस साल के लिए अब वहां पर तोबा भी हो रही है वहां पर पछतावा भी नादानी का इजहार सब चीजें हो रही हैं मगर क्या फायदा जो टाइम था कंट्रोल करने का अगर आपने उसमें अपने आप को जब्त ना किया तो फिर नतीजा भुगती कितने फसाद कितनी लड़ाइया सिर्फ इस जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो गुस्से पर कंट्रोल न करने की वजह से होती हैं तो मोमिन बंदों के अंदर हिल्म, बुर्दबारी की जो सिफत है ये बहुत ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि बसा अवत गुस्से में आदमी ऐसे काम कर जाता है जिसका जिंदगी भर उसको नुकसान होता है तो एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अपने अंदर तोज़ो इनके सारी हिल्म और बुर्द की सफ़ात अपनाए पुराने करीम में मुख्तलिफ जगहों पर उसका जिक्र किया गया एक मौके पर ऐसे हुआ कि मशहूर मुहदस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस के सिलसिले में अपना काम कर रहे थे और उस जमाने में बत्तियों का ऐसे रिवाज तो नहीं था चराग जलाया जाता था तो उनकी लौंडी ऐसे गुजरी आगे से कि जिसकी वजह से वो जो उनकी रोशनाई और लिखने पढ़ने की चीज़ें थी वो सब खराब हो गई अब जाहिर है कि एक लिखने पढ़ने वाले को अगर उसकी उन चीज़ों पर कोई ख़लल अंदाजी हो तो उसको बहुत गु़स्सा आता है और हर आदमी जो तसनीफ व तालीफ लिखने पढ़ने का आदि है वो जानता है कि उस मौके पर उसका गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है इमाम बुखारी रहा को भी गुस्सा आ गया कि इतनी मेहनत से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये इस तरह से गुजरी कि यह सब चीज़ें ख़राब कर दी तो उन्होंने थोड़ा सा उसको गु़स्से का इज़हार किया कोई ज़्यादा सख्त सुस्त भी नहीं कहा मगर वो लौंडी थी इमाम बुखारी रमतल की वो जानती थी कि ये मौका है तो उसने फौरी तौर पर सूर्य इमरान की वही आयत कोट की देखिए उनको भी मालूम था ये नफसियाती जो चीज़ें हैं वो भी जानती थी कि इमाम बुखारी इसको खामोश करने के लिए ये काफ़ी है उसने कहा कि अल्लाह ने तो फरमाया वल्जमीन अलग के गुस्से को पी जाते हैं तो आपने एकदम ये जुमला कैसे कह दिया तो इमाम बुखारी रहमतल आल अब जब कुरान की आयत वो कोट कर रही थी तो वो खामोश हो गए उसने कहा कि ठीक है गुस्सा ख़त्म तो उसने कहा नहीं अल्लाह ने आगे भी कुछ कहा है अब देखिए खसूर भी करके उसने मुआवजा भी ले लिया उसने कहा कि वल आफीन आनी नास दरगुजर से भी काम लेते हैं इसके आगे भी बढ़ना चाहिए तो बुखारी ने कहा जाओ तुमको मैं आज़ाद करता हूँ तो इस तरह से यह है नेक लोगों का अंदाज़ और वतीरा के इंतहाई गुस्से के मौके पर भी उनकी कोशिश होती है कि अपने आप को कंट्रोल में रखा जाए क्योंकि अगर कोई आदमी अपने आप को कंट्रोल में रखे तो उसकी वजह से कभी कोई नुकसान नहीं होगा जैसे फरमाया गया मा नकस माल। कि अगर कभी आदमी देता है, तो लगता है कि उसकी दौलत कम हो गई मगर उसकी दौलत कम नहीं होगी वाहन और अगर कोई आदमी दरगुजर से काम ले तो उसके रुतबे में और शान में कोई कमजोरी नहीं वाकई होगी बल्कि अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा उसकी तकरीम ज्यादा होगी और कहा गया वमा तो الله और अगर कोई आदमी अल्लाह के लिए अल्लाह की खातिर अल्लाह की मोहब्बत में इनके सारी का मुजाहरा करता है तो अल्लाह ताला उसकी शान और बढ़ा देता है जैसे सही मुस्लिम की यह हदीस है कि अल्लाह ताला उसकी शान घटाते नहीं हैं बल्कि उसकी शान में उसकी अजमत में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रखें तकबर के मौक़ों पर भी इज्ज़ानकसारी का सबूत दें देखिए रसूल अक्रम सामला कैसे था इज़्ज़ानकसारी का तोज़ों का मामला कैसे था फ़त मक् के मौके पर बहुत अजीम फतह थी अजीम तरीन फतह थी मक् मकरमा जहां से आप किस हालत में निकले थे मगर अब आप एक फातह सिप सालार की हैसियत से दाखिल हो रहे थे आपके साथ दस हजार से ज्यादा मुजाहिद साहबा कराम मौजूद थे रसूल अक्रम जब तशीफ ला रहे हैं काबतुल्ला जू जू करीब आता जा रहा है आपकी पेशानी झुकी जा रही है झुकी जा रही है झुकी जा रही है इस तरह के जैसे ऊँटनी के कुहान से लग गई जाकर हालांकि वो मौका तो एक सिपेसालार के लिए फख्र गुरूर का मौका है कि मैं किस तरह विक्टर के तौर पर फातेह के तौर पर यहाँ पर दाखिल हो रहा हूँ मेरे एक इशारे से क्या कुछ हो सकता है मगर जो हकीकत को पहचाने जो अपने नफ्स को पहचाने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और किबरियाई को पहचाने वो कभी फ़ख्र नहीं कर सकता नबी करीम वसल्लम इसी इज़्ज़ का इनकसारी का मुजाहरा करते हुए वहां दाखिल हुए और फिर उसके बाद आपने ऐलान भी क्या किया कि यह कामयाबी का क्रेडिट किसके सर जाता है मेरे सर आपके सर नहीं आपने फरमाया सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल करम है ला इलाह वही अकेला है जिसकी इबादत की जानी चाहिए इबादत का मुस्तहिक अगर कोई है सजावार कोई है तो फिर वो अकेला अल्लाह आलमीन उसी की जात है अन वादा उसने अपना वादा पूरा किया वो हजम वाहद उस अकेले ने सारे जुथों को शिकस्त दे दी जो हम पर टूट पड़े थे अगर हमें कामयाबी मिली हमारी क़वत से नहीं हमारी ताकत से नहीं ये कामयाबी अल्लाह रब्लम का फजल करम है नसर सर आपदा जिसने अपने बंदे की अकेले मदद फरमाई यानी यह ऐलान आप फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की तोहिद का अलान अल्लाह की अजमत का अलान अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई का अलान कि अल्लाह तुमने मदद की इसलिए मुझे यह कामयाबी मिली हालांकि ये मौका है सिपेसालार को तकबर करने का घमंड करने का मगर आपने क्या अंदाज पेश किया तो यह हमारे लिए नमूना है कि किस तरह से एक मुसलमान को इज्जोारी का मुजाहरा करना चाहिए देखते रहिए प्रोग्राम एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि रसूल अक्रम सला ज़िंदगी के अहम मौक़ों पर किस तरीक़े का मुजाहरा आपने फरमाया जिसके अंदर सब्र है ज़ब्त है अपने आप पर कंट्रोल है एक मौका ऐसा था कि जहां पर एक आराबी एक बद्दू आदमी वो आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और रास्ते में गुजरते हुए उसने आपको रोका और रोक कर आपकी जो चादर ऊपर थी इस ज़ोर से खींचा कि इसकी वजह से आप पर निशान पड़ गए यानी सख्त तकलीफ आपने महसूस की देखा घूम कर तो उसने क्या कहा उसने कहा कि अल्लाह ताला का जो माल आपके पास है उसमें से मुझे अच्छा हिस्सा दीजिए यानी भीख मांग रहा है लेकिन किस अंदाज से मांग रहा है आपसे तलब कर रहा है मगर किस अंदाज से तलब कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबा कराम भी थे उन्होंने इस मंजर को देखा जाहिर है कि उनको गुस्सा तो आया लेकिन नबी करीम सल्लाह उसकी तरफ देख कर जब उसका ये जुमला सुने कि मुझे कुछ ज़्यादा दीजिए तो आप मुस्कुरा दिए हालांकि ये गुस्से का मौका था लेकिन आप मुस्कुराते हुए ने साहबा से कहा कि इसको दे दो जो इसकी ज़रूरत है यानी ग़ुस्से के मौके पर मुस्कुराहट फतेह मक्का के मौके पर भी क्या हुआ जब ने अरब आपके सामने खड़ा किए गए सारे खड़े हुए थे किसी की ये मजाल नहीं थी कि आपकी तरफ नज़र उठाकर देखे क्योंकि वो जानते थे हमने इनके साथ क्या कुछ किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है उन्होंने कहा अंत अखुन करीम वबन अखिन करीम आप एक मुशफिक और मेहरबान भाई हैं आपके वालिद ग्रामी भी मुशफ़ और मेहरबान थे बस इससे आगे वो कुछ कह नहीं सके इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने बड़े संगीन जुर्म किए हैं इनके खिलाफ अगर ये चाहें तो हमारे लिए कोई भी सजा दे सकते हैं आपने फरमाया मैं आज तुमसे वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था कि जाओ तुम सबको हम आज़ाद करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अखिला ये बुरदबारी ये तोज़ो और इनकसारी थी कि आपने जब ये ऐलान किया तो उनके पाँव में आपने जंजीरें नहीं डाली मगर उनके दिल में आपने अपनी मोहब्बत और अखलाक की जंजीरें डाल दी वो कहाँ जा सकते थे आपको छोड़कर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे सख्त मौके भी आए और बाज ऐसे भी मौके आए जो बाहर गुस्सा दिलाने वाले हैं मसलन घरेलू जिंदगियों में देखें अक्सर सहाबाए क़िराम अपने बच्चों के साथ तशीफ लाते ताकि नबी अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठें नबी से फैज़ हासिल करें नबी से मोहब्बत हो तो इस तरह से वो अपने बच्चों को भी लाते एक मौके पर एक साहब छोटी बच्ची को ले आए वह आपकी गोद में पेशाब कर दी बाहिर तो ये ग़ुस्से की बात है जैसे हम लोग होता है अगर छोटे बच्चे पेशाब कर दें बड़े नाराज़ होते हैं खफा होने लगते हैं चीखने चिल्लाने लगते हैं कि मेरे कपड़े ख़राब कर दिए मेरा बदन ख़राब कर दिए वगैरह वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया बल्कि आपने एक मसला भी बता दिया फ़ौरी थोड़ा सा पानी मंगाया और पानी उस पर छिड़क दिया उसको साफ कर दिया इस तरह मसला भी ख़त्म हो गया और किसी को नाराज़ होने का मौका भी नहीं दिया क्योंकि जब आप ख़ुद नाराज़ नहीं हैं तो फिर साहबाए कराम उस पर कैसे रिएक्शन कर सकते थे साहबा किराम कैसे उसके खिलाफ कोई बात कर सकते थे बाहिर तो ये गुस्से का मौका था मगर आपने किस तरह तहमुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया इसी तरह से एक मौके पर ऐसे हुआ एक साहब तशीफ लाए और वो आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर भेजना शुरू कर दिया तो आपको तकलीफ हुई देखा कौन है तो वो कह रहा था कि हाँ जो कुछ मेरा मामला है देन लैन का जो कर्ज का मसला है वो बरवक़ जल्दी अदा करें साहबा कराम उससे में आ गए कि ये नबी अलैहि वसल्लम के साथ क्या गुस्ताखी कर रहा है तो आपने फरमाया कि नहीं मुझे एडवाइस करो तुम लोग कि जो कुछ लेन देन का मामला है बरवक़्त और सही तौर पर करो और उसको ये एडवाइस करो कि नरमी का मामला करे इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कोई हरकत ना करे यानि नबी सलील वसम ने उसकी इस नादानी के बावजूद साहबा को ये तालीम दी कि एडवाइस करो मुझे और उसके साथ नरमी का मामला करो ये आपका अंदाज़ हुआ करता था और यही अंदाज आप देखें बाद में साहबा कराम रिजवान मजमाइन में पैदा हुआ मगर इससे कोई ये गलत फहमी में मुबतला ना हो कि नबी वसल्लम गलत बातों पर समझौता करते रहे या गलत बातों पर भी नरमी का मुजाहरा करते रहे नहीं जहाँ हदूदल्ला की बेहरमती हुई जहाँ शरीत का मजाक उड़ाया गया आपने वहाँ पर कोई तहुल मिजाजी का मामला नहीं किया बल्कि आप वहाँ पर ख़ैज़ गज़ब में मुबतला होते थे जो जायज़ और जरूरी होता कोई आदमी अगर तोहेद के बजाय शिर को तरजीह दे रहा है कोई आदमी कोई गलत चीज़ का नारा बुलंद कर रहा है तो आप उसको पसंद नहीं फरमाते थे वहाँ आप खामोशी नहीं इख्तियार करते घरेलू जिंदगी में रोज़मर्रा के मामलत में इसमें आप पूरी पूरी तोज़ों का मुजाहरा करते और पूरे हिल बुर्द का मुजाहरा आप किया करते थे यही साहबा कराम में सिफत थी यही मुहदसिन में अम्मा में ये सिफात आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखने में मिलेंगी और बाज वो लोग जो मौजूदा ज़माने में भी ऐसे लोग जो दीन के मिजाज को समझने वाले हों वो इसी तरह से अच्छा मुजाहरा करते देखिए गुस्से में आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होता है सोचने समझने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है इसी वो ऐसी नादानी की हरकतें कर बैठता है जो बाद में खुद उसी के लिए पछतावे का सबब बन सकती हैं अक्लमंद आदमी वो है जो गुस्से में अपने आप को कंट्रोल में रखे जब कंट्रोल में रखेगा बुढ़ का मुजाहरा करेगा तो उसका दिमाग सही काम करेगा फैसला करेगा तो सही फैसला करेगा तयश में आएगा तो गलत फैसला कर सकता है वो जैसे एक बहुत मशहूर मनाजिर गुजरे हैं मौलाना सनाउल्ला अमृतसरी रमत अपने दौर के बड़े कामयाब डिबेटर मुनाजिर गुजरे हैं वो बहुत से लोग उनके मुनाजरों में शिरकत किया करते थे एक मौके पर ऐसे हुआ के एक मुनाजरा था उसमें मुसलमानों ने इज्तमाही तौर पर तय किया कि इन्हें भेज दिया जाएगा मुनाजरा करने के लिए और यह गए मुसलमानों की नुमाइंदा बनकर जब उन्हें मालूम हुआ फरीक मुखालिफ को कि सनाल्ला अमृतसरी मुनाजरा करने के लिए आ रहे हैं तो वो जानता था कि ये बहुत बड़े मुनाजिर हैं तो उसने सोचा कि मुनाजरे में तो मैं हार जाऊंगा तो वो ऐसी तरतीब उसने सोची पहले से ही हीला मुनाजरे की जरूरत ही ना पेश आए ये शिकस्त खा जाए और जब सब जमा हुए एक जगह तो उसने कहा कि मैंने चैलेंज दिया था मुनाजरे का मुसलमानों को बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं लिहाजा मैं आपसे मुनाजरा नहीं करूंगा ये तयश और गुस्से का मौका था मगर उन्होंने तहमुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए उससे पूछा तुम्हें मालूम है कि मुसलमान होने के लिए क्या किया जाता है उसने कहा बिल्कुल मालूम है कलमा पढ़कर आदमी मुसलमान होता है शहादतैन का ऐलान करता है फौरी मौलाना अमृरत सरी ने कहा लोगों को मुखातब करते हुए सब गवार हो कि मैं अब कलमा पढ़ रहा हूँ अर्शद इला पढ़ कर अब उसके बाद कहा अब तो मैं मुसलमान हो गया और अब करो मेरे साथ मुनाजरा अब वो जो पॉइंट को सोच कर आया था वो तो बर्बाद हो गया उसका मौलाना ने बड़ी अच्छे अंदाज से उसकी सारी तदबीर को उसी के खिलाफ लौटा दी अब यह कब मुमकिन हुआ ये उसी वक्त मुमकिन हुआ जबकि उसके गैज़ व गज़ब में भड़काने वाले जुमले को उन्होंने तहमुल मिजाजी के साथ पलट दिया इसी तरह एक मौके पर मौलाना इलियास अलैह, बहुत बड़े नामी ग्रामी तबलीगी मुसिस समझे जाते हैं उनकी बड़ी खिदमत थी इस मसले में कि वो मुख्तलिफरी में मख्तफ़ लोगों के सामने दिन की बात पेश किया करते एक मौके पर ऐसे हुआ कि वो अपनी दीन की बात कहीं पेश कर रहे थे तो कोई देहाती सा आदमी था जंगली और गंवार किस्म का उसने मौलाना पर हमला कर दिया जब मौलाना पर हमला किया तो ये गु़स्से का मौका था वो तो उसकी हमदर्दी में आए थे और हमदर्दी के बजाय उसने ये बड़ी नादानी की बात की तो मौलाना को चाहिए था कि हमले का जवाब हमले से देते लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया बुर्दबारी से तहमुल से इज्जो इनकसारी से इसका मुजाहरा किया जब उन पर हमला किया तो मौलाना ने उसके पांव पकड़ते हुए कहा कि भाई तुमने अपना काम तो कर दिया जो मारना था या मुझ पर हमला कर दिया अब मेरी भी गुजारिश सुन लो अब वो आदमी बहुत परेशान हुआ कि मैं तो इसके साथ इतनी तोहिन कर रहा हूं और ये उल्टा मुझे अपनी बात सुनाना चाह रहा है बहुत शर्मिंदा होकर उसने कहा अच्छा सुनाओ क्या सुनाना चाहते हो फिर उन्होंने दीन की बात उसके सामने की तो अब देखिए गुस्से का मौका है लेकिन गुस्से को पीकर उन्होंने एक बेहतरीन और हकीमाना अंदाज इख्तियार किया तो ये फ़ायदा है अगर आदमी ग़ुस्से पर कंट्रोल करे तो उसके जहन व दिमाग में ऐसे फ़ैसले आते हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो उसके लिए भी मुफीद और बात दूसरे लोगों के लिए भी मुफीद साबित हो सकते हैं इसीलिए इस जो इनकसारी की बात की गई और इसकी जो तरकीब भी बताई गई कि अगर कोई आदमी कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उसको तेज आ जाए या ग़ुस्सा आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त आप ज़बान को ज़रा सा कंट्रोल में कर लें अपनी पोजीशन बदल दें खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं बैठे हुए हैं तो लेट जाएं या थोड़ा सा पानी पी लें या वजू कर लें तो इससे क्या होता है वो जो शैतानी असरात हैं वो उसी वक्त रफ़ा हो जाएंगे और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो रिएक्शन की जो कैफियत है रद्द अमल की जो कैफियत है वो भी कमज़ोर हो जाएगी नतीजे में आप जो फ़ैसला करेंगे वो आपके लिए भी बेहतर होगा उसके लिए भी बेहतर होगा दोनों उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे और इसी तरह अगर कोई आदमी किसी के सामने इज्जत इंकसारी का मुजाहरा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे कमजोर हो गए अल्लाह ताला आपकी शान उससे ज्यादा ऊंची कर देगा तकबर करके आप क्या करेंगे गुरूर करके आप क्या करेंगे क्या ये दौलत आपकी है क्या ये जिसमानी सलाहियतें सारी आपकी हैं क्या और दूसरी जो चीजें हैं वो सब आपकी हैं या उस पर आपका कंट्रोल है नहीं है दौलत ये अल्लाह की दी हुई है जब चाहे वो वापस ले सकता है त अल्लाह की दौलत है जब चाहे सेहत से आदमी को महरूम किया जा सकता है जिंदगी पर मेरा अपना कंट्रोल नहीं है जिंदगी जब चाहे अल्लाह ताला वापस ले ले जब ये चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं तो मैं फिर तकबुर किस बात का करूँ मैं अगर गुरूर करना भी चाहूँ तो किस बात पर गुरूर करूँ अगर आदमी अपने मुनि में हकीक़ी देने वाले को पहचानेगा तो उसके अंदर इज्जो इनकसारी की कैफियत पैदा होगी कि या अल्लाह ये नियमतें तेरी दी हुई हैं मैं जब तक तेरी तौफ़ी रहेगी उससे फ़ायदा उठाऊंगा मखलूक को फ़ायदा पहुंचाऊंगा और जब तेरा फैसला होगा ना मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूं और ना मैं इसको अपने कंट्रोल में रख सकता हूं ये जब बात पैदा होगी तो वहां इज्जो इंकसारी की कैफियत पैदा होगी जब इज्जो इंकसारी की कैफियत पैदा होगी अल्लाह ताला ऐसे बंदों को इतना ऊंचा मुकाम देंगे कि वो लोगों के जिस्मों पर नहीं दिलों पर हुकूमत करने लग जाएंगे लोगों से उनकी अकीदत में इजाफा होगा और अगर आदमी अल्लाह के लिए अपने आप को कमजोर कर ले तो वो अपनी पोजीशन के अतबार से कम होगा लेकिन पूरी दुनिया उसको अजीम समझेगी वरना तकबर करने वाला सिर्फ अपने आप में बड़ा समझा जाएगा मगर दुनिया के सामने वो जलील और कमजोर बन जाएगा अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तोहफी खतः फरमाएसम वरह वक्त